What laurels for their country. वो सड़कों पे ह्यूमिलिएट की जाती है, बेइज्जत की जाती है, और सत्याग्रह या एक पीसफुल धरना जो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, इट इज देयर फंडामेंटल राइट, जब वो स्नैच होता है और इतिहास रचा जाता है कि पॉस्को में एक माइनर कंप्लेंट पे किसी की कस्टोडियल इंटरोगेशन नहीं होती, इज कंसिडर्ड अबव द लॉ, तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन को डीवैल्यू कर रहे हैं। उसके साथ बड़ा मुद्दा यह भी है कि आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को डीवैल्यू नहीं कर रहे, आप इस देश के जो मार्गदर्शी रहा है फेडरल स्ट्रक्चर को धीरे धीरे करके तहस नहस कर रहे हैं। स्टेटों के स्टेट लिस्ट पे आप लेजिस्लेट कर रहे हैं, काले कानून इसका प्रमाण है कि आपने कानूनी अधिकार भी छीन लिए, और उनसे जिन्हें हम दाता के नाम से, अन्नदाता के नाम से जानते हैं। देखिए, जब आप गवर्नर्स के द्वारा इलेक्टेड सरकारों को डिक्टेट देते हैं तो वो असंवैधानिक है। आई प्रोटेस्ट स्ट्रांगली अगेंस्ट ऑल दैट। आई स्टैंड विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और हर बंदे को पार्टियों से ऊपर उठ के अपने देश के साथ, अपने स्टेट के साथ खड़ा रहना चाहिए भाई। जब सच की आवाज दबाई जाए, जब सिर्फ एक पक्ष की सुने, तो फिर जो इंस्टीट्यूशंस कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू से ताकत ड्रॉ करती हैं और लोगों की भलाई के लिए आती हैं, दे हैव बीन सब्जुगेटेड एंड पमल्ड इनटू सबमिशन। फिर न्याय, इक्वालिटी, फेयर इलेक्शंस, ये सब शक और शुभा के घेरे में आ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ही नहीं रहे, तो फिर सवाल क्या है कि लोगों की ताकत लोगों तक पहुंचे, फिर वो चंद लोगों तक सीमित रह जाती है। इसलिए संविधान हो या फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया हो, देशों की, और देखिए ये जो सेक्टर है ये काफी सूबे इकट्ठे होकर बनाते हैं, अखंड भारत जी। और जब आप किसी स्टेट को वीकन करते हैं, व्हेन यू इनक्रोच एंड ट्रांसग्रेस ऑन द स्टेट लेजिस्लेटिव लिस्ट, तो आप हिंदुस्तान को कमजोर कर रहे हैं। सेल्फिश वेस्टेड इंटरेस्ट कैन नॉट ओवरराइड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। जिनके मत से बनती हैं सरकारें, और मैं लोगों की बात कर रहा हूं, इट्स नॉट अबाउट केयरिंग अबाउट द पब्लिक, इट्स अबाउट केयरिंग अबाउट योर ओन इंटरेस्ट। जिनके मत से बनती हैं सरकारें आज सड़कों पे दर बदर भटक रहे बेचारे, तो इसलिए उचित को जान के उस पर अमल न करना ये कायरता का आभास है। समझे नहीं? आई विल देखिए, एक बात आप समझिए कि ऑर्डिनेंस पे हमारे अध्यक्ष और राहुल जी सारी आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, और देखिए मेरी राय थी वो बंद कमरे में थी, ये जो राय है ये संविधान के पक्ष में है और फेडरल स्ट्रक्चर के पक्ष में है, समझे? इसलिए उस बात की तरफ जाइए मत, वो आपको बहुत शीघ्र ही राहुल जी, और उसमें मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। देखिए यार, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट,
एक मिनट, ये भी अभी देखिए, आप भटकाइए मत, भटकाइए मत मोहतरमा। एक मिनट, मैं कह रहा हूँ, सवाल एक ही ले सकता हूँ ना, 2024 के बंदे में आपको इतना कह सकता हूँ कि क्या राय है। देखिए पंजाब में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हराया, देखिए जिस तरह से हराया, क्या आम आदमी पार्टी के साथ 2024 में गठबंधन होना चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए एक बात आप समझ लीजिए के विचारिक मतभेद जहां हो वहां अलायंस नहीं होती गुरु, समझे? नहीं तो इस बात पे मैं बहुत साफ हूं कि मेरी लड़ाई सत्य के पथ की है। जहां द्वंद होता है मैं सत्य के रास्ते पे चढ़ता हूं और वहीं चलता हूं। When in doubt I walk straight and I do not compromise on moral values। आज moral values जो है दे आर एट दी लोएस्ट एप बिकॉज डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैव बीन डिसमेंटल्ड। जब कोई 323 में 10 महीने अंदर जाता है तो वो उन संस्थाओं को कर रहा है, लेकिन आज तक 72 साल में कोई हफ्ता भी नहीं गया। जब कोई एमपी डिस्क्वालिफाई कर दिया जाता है सच बोलने के लिए, ठीक है कि नहीं, तो वो भी संविधान की लड़ाई है भाई, तो उसमें किसी की परमिशन नहीं चाहिए। तो मैं जो अनुशासन पालेगा वही शासन पालेगा, अनुशासन से बाहर नहीं जाऊंगा, लेकिन अपनी रूह की आवाज मैं दुनिया तक जरूर पहुंचाऊंगा।